वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गौरी ललन भगवान गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, आज हम भगवान श्री गणेश की महिमाओं की कुछ कथाएं संगीतमय रूप से आपको सुनाएंगे कि भोलेनाथ ने कैसे उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया और इसके साथ साथ उनकी अनेकों रोचक और प्रेरणादायक कथाएं आपको सुनाएंगे। तो भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ध्यान लगा लीजिए भक्तों, और सुनिए मेरे साथ उनकी महिमाओं की ये पावन संगीतमय कथाएं। श्री गणेश का ध्यान लगाएं, चरणों में हम शीश नवाएं, गणपति जी का रूप निराला, प्रथम पूजनीय ये कहलाए, भोलेनाथ से वर ये पाए, ये ही विनायक ये ही गणपत, इनकी महिमा सबसे निराली, मूषक की ये करते सवारी, कहते हैं इन विघ्न विनाशक, अनेको ही हैं इनकी कथाएं, उनमें से कुछ तुम्हें सुनाएं, करेंगे शुभ शुरुआत बाद में, पहले हम इन शीश झुकाएं। भक्तजनों, समय समय पर भगवान श्री गणेश जी ने राक्षसों का वध करने हेतु अनेकों अनेकों अवतार धारण किए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु जी ने अनेकों अवतार धारण कर इस धरा से उसका भार मिटाया, उसी तरह भगवान श्री गणेश जी ने भी असुरों का वध करने हेतु कई अवतार धारण किए। एक बार की बात है, जब भगवान कार्तिकेय ने ताड़ का सुर नामक राक्षस का वध किया, तो उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े ही विचलित हो उठे थे और उन्होंने मोहासुर नामक दानव को बुलाया और उससे कहा कि शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय अत्यंत बलवान हैं। कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया है, अब हम शिव के दोनों पुत्रों पर आक्रमण करेंगे। ताड़कासुर का वध जो हो गया, शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, प्रतिशोध वो लेना चाहते, मोहासुर को पास बुलाते, मोहासुर से लगे वो कहने, ताड़कासुर वध किया कार्तिक ने, अपनी सारी सेना लेकर, शुक्राचार्य जो क्रोध में आए, देख देवता भी घबराए, दैत्य करेंगे आक्रमण अब, गणेश को दिया बताए, गणपत ने उनसे ये कहा है, मेरे होते फिक्र ही क्या है, चाहे जितनी आए सेना, भक्तजनों, दैत्यों के गुरु गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक राक्षस को करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर शिव पुत्रों से प्रतिशोध लेने के लिए भेज दिया। अनेकों अनेक मायावी राक्षस आक्रमण करने के लिए आते हैं भक्तों, और सभी देवताओं को पराजित कर देते हैं। भगवान गणेश उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि मोहासुर की सेना सभी देवताओं पर भारी पड़ती जा रही है, तो उन्होंने अपना महोदर रूप धारण किया भक्तों, और मोहासुर की सेना पर टूट पड़े। भगवान गणेश का महोदर रूप देखकर अनेकों ही राक्षस डर कर इधर उधर भागने लगे भक्तों, और जो भी उनके समक्ष आया, भगवान गणेश के महोदर स्वरूप ने उसे मार गिराया। अंत में युद्ध करते करते जब दानव सेना का कोई योद्धा महोदर भगवान के समक्ष टिक नहीं पाया, तो मोहासुर स्वयं गणेश जी से युद्ध करने के लिए सन्मुख आया, किंतु गणेश जी ने तो मोहासुर का वध करने हेतु ही अपना महोदर रूप धारण किया था।
अतः भगवान श्री गणेश जी ने पाश का एक प्रहार किया और मोहासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया भक्तों। मोहासुर का बड़ा आतंक है, देवता सामने पाए नटिक है, पड़ने लगे भारी देवों पर। दैत्यों की थी जितनी सेना, उनके आगे टिक पाई न, चुन चुन कर सब पापी मारे। फिर मोहासुर सामने आया, उनके आगे टिक नहीं पाया, मोहदर रूप में श्री गणेश ने महोदर रूप है बड़ा निराला, देवों का भी है रखवाला, देव तभी इन शीश नवाए। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने अपना महोदर रूप बनाकर मोहासुर और उसकी दैत्य सेना का संपूर्ण विनाश कर दिया। परंतु जब मोहासुर के कटे शीश ने भगवान श्री गणेश जी से क्षमा याचना की, तो दयावंत श्री गणेश जी ने उसे जीवन दान देकर उसे अपनी शरणागति प्रदान करी। इस तरह मोहासुर भगवान श्री गणेश जी के महोदर स्वरूप का अनन्य भक्त बन गया और गणेश जी की भक्ति में ही लीन हो गया। इसी प्रकार से भक्तों, गणेश जी ने देवताओं की रक्षा की और एक दंत का रूप भी धारण किया था। बात उस समय की है जब मदासुर नाम का एक राक्षस अपनी शक्तियों को पाकर अत्यंत बलशाली हो गया था। मदासुर ने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा ली थी और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मदासुर को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। एक दिन उसने गुरु शुक्राचार्य से कहा, मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि सभी देवताओं को पराजित कर सकता हूँ, आप मुझे देवताओं पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मदासुर नाम का दैत्य एक था, उसको भी अहंकार हुआ था, शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर करके तप मैंने शक्ति पाली और आप ही से दीक्षा ली, अब देवों पे करूं आक्रमण। शुक्राचार्य ये लगे हैं कहने, तुमको आज्ञा दे दी मैंने, जाओ आक्रमण करने जाओ। गुरुदेव से आज्ञा पाकर युद्ध करने को चला मदासुर, पूरी युद्ध की है तैयारी, भक्तजनों। इस तरह से मदासुर नामक वो दैत्य अनेक शक्तियां अर्जित करके देवताओं पर आक्रमण कर देता है। गुरु शुक्राचार्य को अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था कि मदासुर सभी देवों को पराजित करके स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। तब गुरु शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया और करोड़ों दानवों की सेना को लेकर मदासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, तब मदासुर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाया। तो अंत में भगवान गणेश जी की शरण में सभी देवता आते हैं और भगवान श्री गणेश जी अपना एक दंत रूप बनाकर मदासुर से युद्ध करने स्वयं ही आ जाते हैं। भक्तों, मदासुर तो है बड़ा बलशाली, कुछ तप करके शक्तियां पाली, देवता उसको जीत न पाए। एक दंत का रूप बनाया, देख मदासुर भी घबराया, खुद को जो बलवान मानता, जिसकी की थी नहीं कामना, होगा उस योद्धा से सामना, एक दंत के रूप में गणपत।
एक दंत के सामने आया, पल भर भी वो टिक नहीं पाया, उस पापी का किया अंत है। भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने मदासुर और उसकी सारी सेना को मार भगाया और देवताओं की रक्षा की। श्री गणेश जी की महिमा तो अपरंपार है। भक्तों, देवताओं पर जब जब भी संकट आए हैं, उन्होंने श्री गणेश जी से आकर विनती की है, तब श्री गणेश जी ने अपने किसी न किसी स्वरूप में उनकी रक्षा की है और उनके रक्षक बनकर सदा खड़े रहे हैं। भगवान गणेश जी के इन्हीं स्वरूपों में एक वक्रतुंड अवतार भी है। भक्तों, वक्रतुंड का अवतार भगवान श्री गणेश ने मत्सरासुर नामक दैत्य का अंत करने के लिए किया था। एक बार की बात है भक्तों, जब सुर नाम का दानव देवताओं को बहुत परेशान करता था, तब भगवान गणेश जी ने वक्रतुंड रूप धारण किया और मत्सरासुर का वध करने आए। तब उसके पुत्र सुंदर प्रिय और विप्र प्रिय गणेश जी के सामने आ गए। गणेश जी ने एक ही वार से मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया और फिर मत्सरासुर पर टूट पड़े। भक्तों, जहां स्वयं शिव जी के पुत्र हैं, टिक नहीं सकता कोई असुर है। मत्सरासुर तो था अज्ञानी, वक्रतुंड लिया रूप बनाए, मत्सरासुर के पुत्र जो आए, वक्रतुंड ने वार किया है, फिर मत्सरासुर सामने आया, उसको भी तो मार गिराया। मत्सरासुर का वध करने को मत्सरासुर संहार किया है, देवों का उद्धार किया है, वक्रतुंड जो अवतार है, देव भी करते नमस्कार है। तो इस प्रकार भक्तों, भगवान गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार में मत्सरासुर और उसके दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विष प्रिय का वध कर दिया। भगवान गणेश के इस वक्रतुंड स्वरूप को देवगणों ने प्रणाम किया। और इसी तरह भक्तों, एक समय की बात है, एक कामासुर नामक दैत्य शिव भक्त था। उन्होंने भगवान शिव की अनन्य तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें तीनों लोकों पर विजय पाने का वरदान दे दिया था। भोलेनाथ तो आखिर भोले ही हैं, बिना सोचे समझे भक्तों को वरदान दे देते हैं। कामासुर दैत्य भी भोलेनाथ की भक्ति करके वरदान प्राप्त करने में सफल रहा। वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। भोलेनाथ से तीनों लोकों पर विजय का वरदान कामासुर तो पहले ही प्राप्त कर चुका था, सो देवता भला उसका क्या बिगाड़ सकते थे। देवता भोलेनाथ की शरण में हार कर आ जाते हैं तो भोलेनाथ कहने लगते हैं, कामासुर मुझसे ही वरदान पाया हुआ है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आपके कष्टों का निवारण तो भगवान श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। तब सभी देवी देवता भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। भक्तों, कामासुर ने बड़ा सताया, भोलेनाथ से वर ये पाया, तीनों लोक पर विजय वो पाए, शरण आपकी हम हैं आए, कामासुर को जीत न पाए, आप ही रक्षा करो हमारी, जो देवों ने की है प्रार्थना, विकट रूप धर लिया है अपना, मोर विराजित होकर आए, जब देवों पर संकट आया, अनेकों रूप में पाप मिटाया, देवों की सुनते हो विनती, भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने अनेकों बार देवताओं के संकटों को दूर करने के लिए
पृथक पृथक रूप बनाए हैं। बात उस समय की है जब लोभासुर नामक एक बड़ा बलशाली दैत्य कामासुर की तरह ही तीनों लोकों पर अधिपत्य स्थापित करना चाहता था। लोभासुर ये भी जानता था कि देवताओं पर विजय प्राप्त करना अब इतना आसान नहीं रहा, इसीलिए लोभासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ कर दी। लोभासुर की भक्ति से आखिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसे भी तीनों लोकों का स्वामी होने का अभय वरदान दे दिया। देवगण एक बार फिर हाहाकार करते हुए भोलेनाथ की शरण में आ गए। भक्तों, देवतागण हैं बड़े आतंकित, आप बचाओ हमें है गणपत, भोलेनाथ को क्या समझाएं। आपने कामासुर को हराया, किंतु अब लो आसुर आया, भोलेनाथ की करके भक्ति। तीन लोक पर जो अधिकार हो, रहना हमारा भी दुश्वार हो, लोभासुर से हमें बचाओ। अपना गजानन रूप बनाया, लोभासुर को भी है हराया, फिर से भक्तों श्री गणेश ने देवों को संकट से बचाया। इसी प्रकार भक्तों, भगवान देव गजानन ने क्रोधासुर नामक दैत्य का भी वध करने के लिए अपना लंबोदर रूप बनाया। क्रोधासुर दैत्य भी भगवान सूर्य की कठोर तपस्या करके भगवान सूर्य से अनेक अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था और सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करूं ऐसा वरदान भी उसने भगवान सूर्य देव से प्राप्त किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्रोधासुर को सूर्य देव ने वरदान दे दिया कि जाओ और तीनों लोकों के विजेता बन जाओ। और जब क्रोधासुर ने देवों को फिर से हरा दिया तो देवता फिर हाहाकार मचाते देव गजानन के चरणों में आ पहुंचे। भक्तों, क्रोधासुर नामक एक दैत्य है जिससे हम सब हुए परास्त हैं, सूर्य देव की करके भक्ति। आपसे गणपत इतनी है विनती, करनी होगी रक्षा सबकी, हम जो उनसे जीत न पाए। श्री गणेश ने उनसे कहा है, बोलो क्रोधासुर तो कहाँ है, लंबोदर का रूप बनाया। रूप बनाया जो लंबोदर, टिक नहीं पाया है क्रोधासुर, आतंक उसका मिटा दिया है, मार मार कर भगा दिया है। भक्तों, इसी प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने एक बार अहंतासुर के आतंक को मिटाने हेतु अपना धूम्रवर्ण अवतार बनाया था। अहंतासुर भी अन्य राक्षसों की तरह अत्यंत बलवान था, किंतु गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार में अहंतासुर दैत्य को भी परास्त कर दिया और देवों को उस असुर के आतंक से मुक्ति दिलवाई। भक्तों, जब जब भी देवता गणों पर कोई विपदा आई है, भगवान श्री गणेश जी की वो शरण में आए हैं और देव गजानन ने भी अलग अलग अवतार धर उनकी रक्षण की है। ऐसे ही ममासुर से भी देवताओं का रक्षण करने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने विघ्नराज का रूप धारण किया था और ममासुर नामक दैत्य को भी परास्त कर दिया था। भक्तों, विघ्नराज अवतार लिया है, ममा असुर संहार किया है, विघ्नराज तुम बन कर आए, विनाशक भी कहलाए। रूप आपके न्यारे न्यारे, भक्तों को सब लगते प्यारे, हर एक रूप में आप गणपति, नाम तुम्हारा ही है सुमिरना, भक्त जनों की रक्षा करना, सबसे पहले तुमको ध्याए, चरणों में हम ध्यान लगाए,
हंस राज रलहन ये कहता, हर पल आपका नाम सुमिरता। हम भी पूजा करें तुम्हारी, तो देखा आपने भक्तों किस तरह देव गजानन ने अनेकानेक स्वरूप धारण करके देवताओं का रक्षण किया था। भगवान भोलेनाथ ने भी भगवान देव गजानन को प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया था। तभी से भक्तों कोई भी शुभ कार्य देव गजानन का नाम लिए बिना प्रारंभ नहीं होता। यदि आप भी इस कलयुग के पाप ताप संतापों से बचना चाहते हैं तो रोज एक माला देव गजानन के नाम की फिराइए भक्तों। फिर देखिए आप भौतिक जीवन के समस्त सुख धारण करके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ खोलकर मन में श्रद्धा भाव जगाकर मेरे साथ बड़े ही प्रेम से बोलिए, बोलिए गौरी ललन भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। ओ जय गिरधर जय नटवर नागर, आप हो भक्ति भाव के सागर। श्री हरि के अवतारी जग हितकारी जग उपकारी, आपके चरणों में सारे धाम कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ शीश पे मोर मुकुट है साजे, अधर पे मुरली आपके बाजे। अधरन पे मुस्कान है प्यारी, भार मिटाए नारायण अवतार धराए। जन्म के पावन गाथा सुनाऊं, कृष्ण की लीला मैं बतलाऊं। राजा बहन देवकी के
ब्याह मिलागा। फिर प्रेरणा आई
यहाँ लिटाई। थी वो कारी अंधियारी, बादल गरज रहे थे तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ उमड़ घुमड़ कर यमुना आई, चरण छुए और मार्ग दिखाई। संग में तुम्हें लिटाए, उन्हें की कन्या लाए तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जो ही कंस था मारने आया, कन्या ने उसको बतलाया, तेरा काल है मैं नहीं शाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ असुरों को था फिर भिजवाया, कोई भी तुमको मार न पाया। तुमको वो मार न पाई, संग दूध की खींचे प्राण, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ छकड़े से तुम्हें बंधवाया, छकड़े के नीचे असुर दबाया। जबरन मुंह खुलवाई, मुख में दिखलाया ब्रह्मा, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ नदी
से कृष्ण कन्हाई। विश्व विनायक
सुखकारी। सिर सोने का मुकुट विराजे, शंख गदा और पुस्तक साजे, जो तुमको हर पल ध्यावे, सुख वो सकल जीवन में पावे। तुमको ये सुनाए एक दंता क्यों प्रभु कहलाए। बचपन में ऋषियों को सताते, करके शरारत ये दिखलाते, गन थे शंकर एक दिन, ओ परशुराम तब आए पर्वत पर। समझाते हो परशुराम कुछ समझ न पाते। भयंकर हुआ रे परस पर,
बार गणपति ने निष्फल परशुराम ने फरसा फेंका विघ्नेश्वर का दंत था टूटा क्षमायाचना करते ऋषिवर लंबोदर ने पाया तब वर कथा ऐसी भी आती इसी नाम की महिमा बताती कार्यभार गणपति को सौंपा लिखते जाओ जो मैं कहता वो रचते थे लिखते लिखते ना थकते थे सहसा ही उनकी हो रुक गई गति तब उस लेखन की साहस नाही छोड़ा ओ गणपत ने एक दांत को तोड़ा भारत की कर दी रचना अद्भुत कार्य की सजग कल्पना ओ
पर मुनि जन तब वहां आए, देवों ने तब सुमन चढ़ाए। भोग है इनको भाता, जो भी चढ़ाता सब सुख पाता। विनायक मंगलकारी, महिमा जग में जिनकी भारी। दंता की गाए जो महिमा, ओ बढ़ती जग में उनकी गरिमा। चरणों में शीश नवालो, ओ पूजन कर सारा सुख पालो। से जो ऊर्जा पाई, गणपति महिमा तब ही लिखाई। गालो लंबोदर से खुशियां पालो। जी रहना सहाय, सुख करता सुख धाम, सबसे पावन तेरा नाम। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश, दुख द्वंदन
नायक बुद्धि विधायक विमोचन कर कुठार शुचि सुभाग त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित पोलम वही स्वयं श्री शिव तहाए बिनु पहचान जान नहीं पाए जहाँ
जग कह सकल काज सिद्ध होई सुमि रही तुमहि मिलहि सुख नाना बिनु तव कृपा न कहूं कल्याणा परम सुख पावत जन धन धान्य सुवन सुखदायक देहि सकल शुभ श्री गणनायक श्री गणेश यही चा